फ्रेंड्स, सो जो आज का जो व्लॉग है वो है पूरे दिन का रामेश्वरम सिटी के अंदर एंड धनुषकोडी चर्च एंड ऑल एंड फिर उसके बाद पंबन ब्रिज का। और प्रॉब्लम यहाँ पे है हुआ है कि जब मैं होटल से धनुषकोडी निकला था तो एक प्रॉब्लम हुआ था कि वहाँ पे जो मेरा माइक था वो प्रॉपरली अटैच नहीं था, तो कुछ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुए, ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट मॉर्निंग व्यू था सनराइज़ का। और पुलिस ऑफिसर था वहाँ पे, उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली 7 बजे एंट्री ओपन होगी, बस इतना ही है उस चीज़ में, जस्ट आई विल ऐड द म्यूज़िक इन इट एंड जो टोटल व्लॉग है पूरे दिन का बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग तो बोर हो जाते हो इतना लंबा वीडियो देख के। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इन 2 पार्ट, फर्स्ट हाफ जो है वो पहले पार्ट 1 में आएगा और सेकेंड हाफ पंबन ब्रिज एंड ऑल दिस थिंग्स विल कम ऑन सेकेंड पार्ट। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अभी क्या BKC में घूम रहा हूँ, ऑफिस वर्क क्या करें। ऑल्सो सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं, क्या करें, बिजी इन ऑफिस वर्क, सो इतना टाइम नहीं मिल रहा है टू रिलीज़ अ वीडियोस, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। बाइक दिखा देता हूँ आपको, बाइक बहुत गंदी हो चुकी है। Moments later. धनुषकोडी 360 दिखा देता हूँ आपको, इट्स 7:10 इन द मॉर्निंग। अभी पब्लिक आने को स्टार्ट हो गई है, थैंक गॉड वी केम अर्ली। नाउ लेट्स हैव चाय एंड देन लेट्स गो इनसाइड टुवर्ड्स श्रीलंका। Just 25 kilometers ahead from here. Even I can search the Airtel signal, I can get Sri Lanka Airtel signal in my cell phone.
Came all the way from there, bike is parked over there. उसके बाद यहाँ से छोटे 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 आइलैंड है, ये जो आइलैंड हम लोग खड़े हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके आगे नहीं है, दूसरा आइलैंड वहाँ पे है, यू कैन सी, लेट मी जूम इट, वहाँ पे एक दूसरा आइलैंड है और एक दूसरा आइलैंड यहाँ पे है, आई डोंट थिंक दिखता होगा एग्जैक्टली वहाँ पे है सेंट्रल ऑफ द स्क्रीन के, इस आइलैंड के आगे वाला आइलैंड है वो नेकेड आई से दिख रहा है। सो दिस इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे अपना इंडिया खत्म हो जाता है, यहीं से श्री राम जी ने सेतु बांध के श्रीलंका गए थे। वाओ feels blessed after visiting this place, बहुत beautiful जगह यार, बस ये सब कचरा मत करो यार please, small request है। So friends finally one more चीज़ achieve कर ली life में, first Pamban bridge, उसके बाद Dhanushkodi और एक चीज़ है कन्याकुमारी और उसके बाद सोचेंगे लद्दाख और all these things, बस this thing is must। अभी कंटिन्यू करेंगे आगे वापस जर्नी और जो जो चर्च है, रेलवे स्टेशंस है और जो टेंपल्स है वो विज़िट करेंगे, और ये जो जगह ऐसी है मुझे यहाँ से छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा यार, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत शांत है। एक बार आपको सी का एक बार साउंड सुना देता हूँ आपको, सैंड ऑफ Dhanushkodi, आर आर थ्रिटन टू गॉड ब्लेसिंग। तो फ्रेंड्स इट्स 8:35, बहुत गर्मी लगने शुरू हो गई और यार मन नहीं कर रहा इस ब्यूटीफुल जगह को छोड़ के जाने के लिए यार, शिट। बहुत प्यारी जगह है दोस्तों, बहुत प्यारी जगह है, बस एक बार ज़रूर आना लाइफ में, चांस मिले तो मिस मत करना, वन टाइम तो बनता है यार, वंस इन ए लाइफ टाइम। देखिए दोनों साइड समुंदर, वन ऑफ दिस आर बे ऑफ बंगाल एंड वन ऑफ दिस इंडियन ओशन, बट आई हर्ड एक जगह पे टाइड आती नहीं है, बट आई कैन सी टाइड्स एंड यहाँ पे भी आ रही है, वो देखिए वहाँ पे भी है और ये देखिए यहाँ पे भी है। मैंने सुना था कि एक साइड का जो सी है वो शांत रहता है, उसमें कुछ टाइड नहीं आती है, इतनी भी नहीं है मगर थोड़ी थोड़ी आ रही है, और यहाँ पे भी आ रही है। ओह मैन क्या ब्यूटी है यार, शेट आई एम गोना मिस इट। चलो आपको सेल्फी स्टिक के कैमरे में मिलता हूँ।
फ्रेंड्स नाउ वी आर एट चर्च। ये देखिए बिकॉज ऑफ द सुनामी एवरीथिंग गॉट वैनिश हियर। ये आगे की घर मत देखिए, वो तो अभी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। फ्रेंड्स लेट मी प्रेजेंट टू यू द ओल्ड चर्च। सोचिए कैसे लाइफ स्टाइल होगी उस टाइम, इतने दूर पानी के पास में चर्च, रेलवे स्टेशन एंड ऑल। एक सुनामी आके पूरा वैनिश कर देती है। लेट मी टेक सम स्नैप फॉर इंस्टा। इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट द स्नैप्स प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टा मैन, यू आर मिसिंग अ लॉट। लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन, सैंड टाइप मटेरियल है और ये पत्थर्स है। और ये देखिए जैसे पानी के अंदर मिलते इवन फिश टैंक के ऊपर यूज करते दैट काइंड ऑफ स्टोन्स दे आर मैन। दैट मीन उस टाइम जो जो पत्थर मिले थे उससे कंस्ट्रक्ट किया हुआ चीज़ है। यहाँ पे देखिए, ओहो ये तो देखिए, ये कुछ अलग ही मटेरियल है, एकदम हार्ड है, आपको लगेगा ये सॉफ्ट है। ऑल द सीज मटेरियल मैन टेकिंग द ब्लेसिंग्स। ये है ओल्ड चर्च। सो दिस इज द बैक साइड ऑफ चर्च। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, हाउ डिड इज डिजास्टर इट्स हैपन यार, शिट फीलिंग सो बैड। सी के कितने पास में है ये, चलो पानी के पास जाते हैं। व्हाट अ क्लीन वाटर मैन, व्हाट अ क्लीन वाटर, कोई नहीं यहाँ पे 360 डिग्री। जमीन यार ग्रिप नहीं दे रही है, नीचे नीचे खींच के रही है जमीन। क्या शांत जगह है यार, आप ही देख लीजिए कितनी शांत जगह है। लेट्स सी द वाटर हाउ क्लीन इट इज। कोकन की याद आ गई यार, क्या ब्लू कलर का पानी है। भिगा दिया आपने, क्या वाट लगा दी मेरे शूज की यार, सुखाने पड़ेंगे। लुक एट दैट ब्लू कलर यार, इतने यहाँ पे आने के बाद पानी गंदा हो जाता है बिकॉज ऑफ द लाइट सैंड। और वहाँ पे ब्लूइश मैन, ब्लूइश, आज ब्लू है पानी। पानी कॉपीराइट आ जाएगा, सुपर्ब। विल टेक सम गुड स्नैप फॉर इंस्टा नाउ। फ्रेंड्स अभी सूरज भाई सब बाहर आ चुके हैं, वैसे ही पानी का जो कलर है वो लाइट ब्लू हो गया है, देख लीजिए वहाँ दूर जाके डार्क ब्लू है और यहाँ पूरा लाइट ब्लू हो गया है। ब्यूटीफुल प्लेस, आई एम गोना मिस इट। इतनी शांति मिलती है समुद्र की आवाज को सुन के। यार इस सैंड में चलाने के बाद सैंड थका देती है, पैर नीचे नीचे जा रहा है। ओल्ड चर्च यार बहुत अच्छा लगा रियल में आपको देख के, अभी तक सिर्फ यूट्यूब वीडियो में देखा था। ये देखिए दोस्तों एग्जैक्टली नियर टू सी यहाँ पे एक वेल है, वाव। और इसका पानी खारा नहीं है समुंदर का, ये मीठा पानी है, सब लोकल्स बता रहे हैं। या इज इट कूल और नॉट गुड, नो नहीं करेगा। या ऑन स्पेसिफिक जगह पे ही मिलता है, पूरे जगह पे नहीं अभी तक चालू किया है। या रास्ते पे भी आपको नहीं दिखेगा ये गाड़ी। इंडियन बाइक छोटा बाइक जो काम करता है। ओके राइट, इसके अंदर BMW का इंजन है। ओके चलो बाय, वेरी नाइस पीपल मैन, दे आस्किंग अबाउट बाइक। They are telling that they are not able to see any of these kind of bike on the road. No RR310 in Rameswaram. TVS, come on, increase the cell.